नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट आइडिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए फिर से एक नई रिक्रूटमेंट यानी कि कैंपस प्लेसमेंट आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देर न करते हुए आपको डिटेल में बताते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। देखिए कैंपस प्लेसमेंट है, कंपनी का नाम है श्रीराम पिस्टन एंड रिंग। बहुत ही अच्छी कंपनी है, श्रीराम पिस्टन एंड रिंग लिमिटेड, ठीक है, पथरेड़ी अलवर राजस्थान की कंपनी है। द्वारा डायरेक्ट जॉब आईटीआई स्टूडेंट, उम्र की बात करें तो 18 से 30 साल। नॉन आईटीआई के लिए सिर्फ 10 और 12 पास मांगा है। अगर आपने आईटीआई नहीं किया तो 10 12 पास रहेगा और 18 से 30 वर्ष रहेंगे, और आईटीआई स्टूडेंट है तो 18 से 30 उनका भी। कैंपस स्थान की बात करें तो योगी राज ध्यानानंद आईटीआई पूरे धुरसा नियार चोलापुर वाराणसी, ठीक है, नियार चोलापुर वाराणसी आपका पता है, यहीं पे आपका कैंपस प्लेसमेंट लगेगा। योगी राज ध्यानानंद आईटीआई पूरे धुरसापुर नियार चोलापुर वाराणसी। सैलरी आपकी रहेगी 14,430 रुपये, ठीक है, 14,430 रुपये। इन हैंड आपका आएगा 11,654 रुपये। फैकल्टी की बात करें तो 2 पेयर्स यूनिफॉर्म, 1 पेयर सेफ्टी शूज़, फ्री बस फैकल्टी, फ्री वन टाइम टी एंड स्नैक, कैंटीन सब साइड बेसिक बोनस, लीव वर्किंग टाइम 8 आवर यानी कि 8 घंटे का आपकी ड्यूटी रहेगी, ठीक है। जॉब सिलेक्शन 3 वर्ष के लिए कंपनी रोल देगी यानी कि 3 वर्ष के लिए आपको कंपनी रखेगी। ट्रेड की बात करें तो आईटीआई फीटर टर्नर मशीनिस्ट मोटर मैकेनिक व्हीकल इलेक्ट्रिशियन एंड फाउंड्री मैन, ये सब ट्रेडें इसमें हिस्सा ले सकती है। दिनांक की बात करें तो 14 सितंबर दिन शनिवार को आपका कैंपस लगेगा। कि कितने तारीख को? 14 सितंबर दिन शनिवार को सुबह 10 बजे से, 14 सितंबर दिन शनिवार को सुबह 10 बजे से आपको इसके कैंपस स्थान योगीराज ध्यानानंद आईटीआई में जो कि चोलापुर वाराणसी में आपको चले जाना है। संपर्क सूत्र की बात करें तो आप इन नंबरों पर कॉल करके और भी डिटेल जानकारी ले सकते हैं कंपनी के बारे में और कैंपस के बारे में, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसे ही नए वीडियो रिक्रूटमेंट के साथ हम आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय।